जय माता की। दोस्तों, दीपावली पर्व आने ही वाला है। दीपावली 2024 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन हम दीपदान करेंगे और दिवाली मनाएंगे। लेकिन यदि आप भी दिवाली वाले दिन पीरियड्स में हैं तो कैसे पूजा करें, क्या क्या सामान आप छू सकते हैं और किस सामान को आपको नहीं छूना है, क्या तैयारी आप कर सकते हैं, और अकेले रहते हैं तब कैसे पूजा करें, कैसे लक्ष्मी पूजन करें, संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, देखिए, दीपावली साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इसमें पूरे वर्ष के लिए हम अपने घर में माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, जिससे घर में बरकत होती है। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा तो सभी को अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप भी पीरियड्स में हैं और यदि आपका पहला, दूसरा और तीसरा दिन है, तब तो आप पूजा के सामान को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन यदि आपके पीरियड्स का चौथा दिन है तो आप बालों को धो लीजिए, हल्दी हल्दी चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाने के पानी में, उससे बाल धोकर आप पूजा के सामान की तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रख के आप ये काम कर सकते हैं। यदि आपके पीरियड्स का पहला दिन है तब भी आप कुछ तैयारियां अपने हाथों से कर सकते हैं। आप इस दिन रंगोली बना सकते हैं। रंगोली बनाना भी बहुत शुभ है। कई सारी रंगोलियां बनाई जाती हैं, डेकोरेशन की जाती हैं, आप डेकोरेशन कर सकते हैं, आप रंगोली बना सकते हैं। दियों को भिगो सकते हैं पानी में से निकाल कर रख दीजिए। उनके अंदर घी तेल आप किसी और से डलवा लीजिए। खास तौर पे जो पूजा के 5 दीपक जलाए जाते हैं ये देसी घी के, वो दीपक आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य से भरवा लीजिए और जलवा दीजिए। बाकी के जो आप बाहर रखेंगे दिए बालकनी वगैरह में, उनको आप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन जो आप मेन पूजा स्थान पर लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने रखेंगे, उन दीपकों में से 5 दीपक जो जिनकी विशेष पूजा की जाती है लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ, उनको आप ना छुएं। वो आपके स्थान पर आपकी सासू जी, देवरानी हैं, जेठानी हैं, वो आपकी मदद कर सकती हैं, वो जला सकते हैं, आपके पति देव जला सकते हैं, आपके बच्चे, बेटा, बेटी जला सकते हैं। लेकिन आप 5 दीपक वो पूजा वाले छोड़कर बाकी के सभी काम कर सकते हैं। और मिठाई तो दिवाली वाले दिन अधिकतर रेडीमेड ही आती है, रसगुल्ले, बर्फी वगैरह। तो आप जो माता को भोग लगाएंगे, रेडीमेड ही मिठाई लीजिए, रसगुल्ले, बर्फी, सफेद रसगुल्ले जरूर मंगाएं। सफेद चीजों का भोग माता को बहुत पसंद है। खीर तो आप बना नहीं सकते, लेकिन सफेद रसगुल्ले वगैरह या सफेद बर्फी का भोग आप माता को लगा सकते हैं। इस तरह से मित्रों, आप उदास बिल्कुल ना होइए। आप कुछ काम कर सकते हैं। केवल आप दरबार नहीं सजा सकते और विशेष पूजा भी आप दूर बैठकर कर सकते हैं। पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी चीज़ को ना छुएं। लेकिन आपके मन की भावना है। आजकल लड़कियां इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करती। अगर आप नहीं करते तो आप सामान को भी छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपके घर परिवार की परंपरा है उसके अनुसार कर लीजिएगा। लेकिन 4 दिन के बाद तो आप सभी सामान में सहयोग कर सकते हैं, सभी सामान को आप काम कर सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, दरबार भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर सहित आप अवश्य ही नहा लें। अमावस्या वाले दिन सिर नहीं धोया जाता, लेकिन हल्दी वाले पानी से आप यदि सिर धोते हैं तो आपको दोष नहीं लगता। तो मित्रों, आप मन में जरा भी शंका ना रखें। दीपावली वाले दिन यदि आप पीरियड्स में हैं तब भी आप पूजा कर सकते हैं। उदास ना होइए, माता रानी को सभी चीज़ों का पता है। आप पूजा के कामों को कर सकते हैं, जो विशेष पूजा के कुछ काम छोड़कर बाकी सभी काम कर सकते हैं। आशा है आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।